हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज का जो वीडियो है, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, ये पोएम है। पोएम का नाम है द इंचकेप रॉक, रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। ये पोएम है क्या, इसके पोएम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। साथ साथ इस पोएम का जो थीम है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और साथ साथ जो पोएटिक डिवाइसेस है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। हम पोएट के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत फेमस पोएम है द इंचकेप रॉक, रिटन बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रिटिश पोएट्स रॉबर्ट साउदी। चलिए पहले हम बात करते हैं इस पोएम के बारे में और पोएट के बारे में कि पोएम बेसिकली है क्या, और पोएट के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में जान लेते हैं। रॉबर्ट साउदी, इनका जन्म हुआ था 1774 में एंड ही डाइड इन 1843। रॉबर्ट साउदी वॉज एन एमिनेंट पोएट ऑफ रोमांटिक एरा। He was the main figures among the late poets of England. इनका जन्म 1774 में हुआ था, डेथ 1843 में हुई थी। और जो रोमांटिक एज, जो पोएट्री का रोमांटिक एज कहा जाता है, उसके एक बहुत ही जाने माने पोएट ये रहे हैं। थ्रू हिज पोएट्री, दो हिज पोएट्री हैज अमंग since been overshadowed by the works of his contemporaries, it still remains an important part of that era. देखिए, जिस टाइम पर ये रॉबर्ट साउदी पोएट्री लिखते थे, उस टाइम पर उनके जो कंटेम्पररी पोएट्स हैं, जो ब्रिटिश पोएट्स हैं, रोमांटिक एज के बहुत फेमस पोएट्स हैं, तो उनका वर्क इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, उनको इतना ज्यादा पढ़ा और उनको इतना ज्यादा उनके बारे में रिसर्च किया गया कि इनकी जो पोएम्स हैं, किनकी, रॉबर्ट साउदी की जो पोएम्स हैं, उस पर बहुत लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। His most enduring work is a story called The Story of Three Bears. एक बहुत ही फेमस उनका स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ थ्री बेयर्स, उसके लिए वो जाने जाते हैं। अब देख लीजिए ये पोएम है क्या, द इंचकेप रॉक है क्या। द इंचकेप रॉक इज अ 17 स्टेंजर बैलेड, ईच कंटेनिंग 4 लाइन्स। ये जो पूरी पोएम है, इट्स एक्चुअली अ बैलेड। अब बैलेड क्या होता है, जिनको, जो स्टूडेंट्स नए हैं या जो जिन्होंने इस टर्म को पहले कभी सुना नहीं है, बैलेड बेसिकली एक पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी नैरेट की जाती है। सो बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पोएट्री। यानी कि आपको इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बैलेड में एक कहानी होती है जो कि पोएम की फॉर्म में होती है। तो ये बैलेड बेसिकली एक कहानी है, वो स्टोरी है क्या, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो टोटल कितने 17 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन है। The main theme of the poem is that the people who do bad things meet with the bad end at the hands of the fate. देखिए, पूरी पोएम का थीम ये है कि आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, कर भला तो हो भला, और बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो देखिए बेसिकली इस पोएम में क्या कहा गया कि जो लोग दुनिया में बुरा काम करते हैं, वो अंत में उनके साथ खुद भी बुरा होता है। और वो बुरा कोई नहीं करता है, वो बुरा ऊपर वाला कहते हैं, भगवान उसको उस चीज का दंड देता है, गॉड का पनिशमेंट उसको जरूर मिलता है। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। और भाग्य के हाथ को कहिए या भगवान के हाथ, आपको उसका दंड जरूर जरूर मिलेगा। अब है क्या बेसिकली इसका आइडिया क्या है, इस पूरी पोएम का, द आइडिया ऑफ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज एट द कोर ऑफ द पोएम। देखिए, जो आप करते हैं दूसरों के लिए, वो वापस आपके पास लौटकर जरूर होता है। बहुत ही फेमस फ्रेज है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपके पास वापस आता है। या किसी और शब्दों में कहें कि भाई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद एक दिन उस गड्ढे में जरूर गिर जाता है। द पोएम इज कम्पोज इन अ नैरेटिव स्टाइल विद द राइमिंग स्कीम ऑफ AABB। इस पूरी पोएम में जो 4-4 लाइन के जो 17 स्टेंजा है, सारी हर एक्सटेंजा में जो राइमिंग स्कीम की बात करें, तो राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है, AABB। अब है क्या, द पोएट हैज यूज्ड अ नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेज इन विविड इमेजरी। इस पूरी पोएम में पोएट ने बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेज, जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, वो कौन कौन सी है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और विविड इमेजरी, बहुत सारी इमेजेस यूज की, यानी कि उन वर्ड्स को यूज किया है जिनको पढ़कर हम उस चीज को एक्चुअली विजुअलाइज कर पाते हैं, उस चीज को हम, ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने बिल्कुल लाइव चल रही हैं। तो वो क्या क्या है इस पोएम में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। द यूज ऑफ सिम्बोलिज एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम, वेयर
Abbott is presented as a symbol of all that is good and Sir Ralph symbolizes the evil. देखिए इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, बेसिकली कहानी है इसलिए हम इसको बैलेट बोलते हैं। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक तो है Abbott। Abbott होता क्या है? Abbott बेसिकली जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, यानी कि जिनको मठ बोलते हैं, उनका जो हेड प्रीस्ट होता है उसको हम Abbott बोलते हैं, ABBOT। हिंदी में अगर एक शब्द बोलेंगे इसके लिए, कोई हिंदी में कोई शब्द है तो हिंदी में शब्द होता है मठाधीश। तो Abbott इज क्या है? Abbott इज द हेड प्रीस्ट ऑफ अ मोनेस्ट्री, किसी मोनेस्ट्री का एक हेड प्रीस्ट होता है, इसको Abbott बोलते हैं। तो बेसिकली वो एक सिंबल है इस पोएम में, जो कि उस व्यक्ति का सिंबल है जो हमेशा अच्छे काम करता है। और इस कहानी में एक दूसरा कैरेक्टर जिनका नाम है सर राल्फ। सर राल्फ जो है किसको सिंबलाइज करते हैं या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो सारी चीजें जो दुनिया में बुरी हैं। तो इस कहानी में एक तरफ तो कहें, एक तरफ तो अच्छाई है, जिसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? द Abbott। दूसरी तरफ बुरी चीजें हैं, उसको सिंबलाइज कौन कर रहा है? सर राल्फ। द पोएम इज डिडेक्टिक इन नेचर एज इट कन्वेज अ मैसेज थ्रू अ स्टोरी। देखिए पोएम का जो नेचर है वो डिडेक्टिक है। डिडेक्टिक का मतलब ये होता है कि कोई बात जिसमें किसी तरीके का कोई मैसेज होता है। तो इस पूरी पोएम में एक कहानी के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी देर इज अ मैसेज विच इज कन्वेड। और वो मैसेज एक्चुअली है क्या? द मैसेज इज इफ यू डू बैड विद अदर्स इट विल कम बैक टू यू। अगर तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल वो बुरा तुम्हारे साथ जरूर होगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। द पोएम टेक्स प्लेस नियर अ नोटोरियस सैंडस्टोन रीफ अबाउट 18 किलोमीटर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इस पोएम की जरा सेटिंग देखते हैं कि है क्या ये पोएम, जो कहानी चल रही है वो कहानी है क्या है? एक स्कॉटलैंड का जो ईस्ट कोस्ट है, यानी कि ईस्ट की साइड का कोस्ट है, वहां से करीब 18 किलोमीटर दूर एक बहुत ही कुख्यात, बहुत ही नोटोरियस का मतलब कुख्यात होती है, यानी कि बदनाम भी कह सकते हैं, एक ये रीफ है। रीफ क्या होते हैं? मूंगा की चट्टाने होती हैं जो कि स्कॉटलैंड के ईस्ट कोस्ट से करीब करीब 18 किलोमीटर दूर है। द पोएम एक्वेंटेंस अस हाउ अ पायरेट रिमूव द बेल फ्रॉम द इंच केप रॉक एंड सब्सिक्वेंटली गॉट किल्ड जस्टिफाइंग द डिवाइन जजमेंट। होता क्या है? इसमें एक पायरेट है, ये पायरेट कोई और नहीं बल्कि सर राल्फ है जो कि एक पायरेट है। पायरेट क्या होता है? समुद्री लुटेरे होते हैं, जो समुद्रों में जहाजों को लूटते हैं, नाविकों को लूटते हैं, उनका सामान सारा लूट कर ले जाते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली इसमें एक प्लेस है, एक जगह है, इसको उस जगह का नाम है इंच केप रॉक। तो इंच केप रॉक में क्या होता है कि जो Abbott है, जो हेड प्रीस्ट है, वो वहां पर एक बेल टांग देते हैं, वार्निंग सिग्नल के लिए। और जो ये पायरेट होता है, कौन सा पायरेट? सर राल्फ। वो जाकर उस इंच केप रॉक से जाकर उस बेल को हटा देता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो ऐसी कंडीशन में फंस जाता है कि वो उन्हीं वहां पर जाकर उसको जो जिस शिप को साथ वो जा रहा था, जिस शिप को वो लेकर जा रहा था, वो शिप किस क्या क्या परिस्थितियां होती, क्या क्या चीजें होती, वो सारी अभी हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो अगर देखिए समरी की बात की जाए तो इसको आप समरी मान लीजिए, या इसको आप कहेंगे बेसिक थीम क्या है, वो आप इसके जो मैंने यहां पर ये सब लिखा है इसको आप पढ़कर, और चाहे तो यू कैन राइट इट इन ऑन वर्ड्स या फिर आप इसको ही लिख सकते हैं। पोएम शुरू करते हैं। नो स्टिर इन द प्ले इन द एयर, नो स्टिर इन द सी, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन। देखिए नॉर्मली इसको बच्चे ओशियन पढ़ते हैं, OCEAN, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ओशन। अब जैसे मैंने राइमिंग स्कीम की बात की तो फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। देखिए सी बी ये ए है और मोशन और ओशन इसको बी बी मान लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी बी। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं क्या। नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी। देखिए ना हवा में, ना तो वहां पर हवा चल रही थी, और हवा नहीं चलने की वजह से क्या होता है, समुद्र की जो लहरें हैं वो समुद्र की लहरें भी नहीं चल रही थी। द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। देखिए यहां पर शिप एक जहाज है जो जा रहा है। अब चूंकि हवा, ना तो हवा चल रही है और ना ही समुद्र में लहरें चल रही हैं, तो इस वजह से जो शिप था वो अपनी जगह पर स्थिर था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, कील वर्ड होता क्या है। कील वर्ड जो जहाज होते हैं, जहाज में उसका जो जहाज का जो फ्रेम होता है जिसके पूरा जहाज बेस्ड होता है, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होती है, उसके नीचे वो मेटल का है, कभी कभी लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है
जिसको कील बोलते हैं। इमेज आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, इस वीडियो में इमेज मैंने नहीं लगाई हुई है। तो जो सीन है फर्स्ट स्टेंजा में, उसमें यह कहा गया कि भाई एक जहाज था, वो किसी दिशा में जा रहा था और चूंकि हवा नहीं चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था और जो सेल्स होती हैं, यानी कि सेल्स का मतलब क्या, जहाज में जहाज को चलाने के लिए जो सेल्स की जरूरत होती है, पतवार जिसको बोलते हैं, उनको भी वो भी नहीं चल रही थी और जो जहाज का जो बेस फ्रेम, जो नीचे वाला बेस का फ्रेम होता है, उसको नीचे जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है, वो भी बिल्कुल एक जगह पर अपनी जगह स्थिरता, यानी कि जहाज में कोई मूवमेंट नहीं था। आगे बढ़ने से पहले दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन है मैंने इसको रेड में हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि यहां पर एक पोएटिक डिवाइस है, उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एंटीथेसिस। देखिए एंटीथेसिस क्या होता है, व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जब एक दूसरे से कंट्रास्टिंग चीजें, एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग वाली बातें एक साथ एक ही लाइन में यूज की जाती हैं, तो उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। देखिए द एयर ऊपर की तरफ होती है और सी नीचे की तरफ है, दोनों अपोजिट चीजें इसमें यूज की हैं, तो इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, एंटीथेसिस। दूसरी जो लाइन है, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी, इसमें एस साउंड का रिपीटेशन है, तो यहां पर कह सकते हैं यहां पर एक पोएटिक डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं एलिटरेशन। विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ द शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। अब देखिए किसी भी तरीके का वहां पर हवा चलने का कोई संकेत नहीं था, किसी भी तरीके का कोई साउंड नहीं था। तो हुआ क्या कि बेसिकली ये कहानी कहां हो रही है, ये जो जिस जगह पर हो रही है वो एक इंचकेप रॉक नाम की एक जगह है, तो वहां पर अब हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, थोड़ी बहुत हवा, फिर हवा चलने के बाद थोड़ी सी रुक जाती है और हवा का जो जो प्रभाव है या हवा का जो स्पीड है वो इतनी कम है कि इंच के बेल को वो मूव ही नहीं कर पाती। देखिए है क्या बेसिकली इस कहानी में, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एक इसमें कैरेक्टर, अभी हमने बात की थी इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक तो अबॉट है, दूसरे सर राल्फ हैं। तो अबॉट जो थे, अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, वो बहुत ही संत महात्मा टाइप के आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया एक दिन कि भाई उस रास्ते से, क्योंकि चूंकि वहां पर जैसा कि आपने टाइटैनिक फिल्म में देखा होगा, जो टाइटैनिक जहाज था वो एक बहुत बड़ी आइसबर्ग से जाके टकरा जाता है, क्योंकि उनको वो दिखता नहीं था, रात में दिखा नहीं था, और वो जहाज जाके टकरा जाता है और बाद में वो डूब जाता है, कई लोग मर जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए तो इंच के रॉक पर जो ये अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक थे, उन्होंने एक बेल लगा दी थी वहां पर, उसके पास एक बेल लगा दी थी। वो बेल क्या करती, वार्निंग सिग्नल का काम करती थी, तो जो कोई जहाज जब उसके पास से गुजरता था तो वो बेल की घंटे का साउंड सुनकर वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता था, उसको पता चल जाता कि आगे सामने एक बहुत बड़ी क्या है, चट्टान है, तो उससे बचकर निकल जाते थे वो लोग। द अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक हैड प्लेस द बेल ऑन द इंचकेप रॉक ऑन द बॉय इन द स्टॉर्म फ्लोटेड एंड स्वंग एंड ओवर द वेव्स इट वार्निंग रंग। तो जो अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक थे, उन्होंने इस इंच केप रॉक पर एक क्या कहता है, एक बेल लगा दी थी। अब बेल तो रॉक पर तो नहीं लगाई थी, तो बेसिकली इसमें एक वर्ड आया है BUOY, बॉय क्या होता है, इसका आप गूगल में इमेज सर्च कर सकते हैं। ये एक तरीके का फ्लोटिंग डिवाइस होता है, आजकल तो बहुत सारी नई नई तरीके की डिवाइसेस आ गई हैं, तो फ्लोटिंग डिवाइस होता है, तो जहां पर समुद्र का पानी बहुत गहरा होता है यहां पर, या जहां पर किसी तरीके का कोई खतरा होता है, तो वहां पर उसको प्लेस कर दिया जाता है, वो पानी पर तैरता रहता है। तो उन्होंने क्या किया, उसी बॉय के ऊपर एक बेल लगा दी थी इंचकेप रॉक के पास, कि अगर कोई यहां से जहाज निकलेगा तो बेल की आवाज सुनकर वो अलर्ट हो जाएगा और जो जहाज उनका चट्टान से टकराएगा नहीं। तो जब भी हवा तेज चलती थी तो वो जो बेल थी, घंटी थी, वो हिलती थी, और हिलने से क्या होता था, जहाज अगर कोई उसके पास से गुजरता था तो वो अलर्ट हो जाते थे और वो इंचकेप रॉक से बचकर निकल जाते थे। तो कहने का मतलब, उन्होंने भाई बहुत ही अच्छा काम किया, लोगों को इस तरह से काफी लोगों की उन्होंने जान भी बचाई होगी। हुआ क्या आगे, व्हेन द रॉक वॉज हिट बाय सर्ज स्वेल द मैनरर्स हर्ड द वार्निंग बेल एंड द न्यू द पेरिलियस रॉक एंड ब्लेस्ड द अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक। अब जब कभी भी ऐसा होता था कि मौसम बहुत खराब हो गया है और उस खराब मौसम की वजह से ऐसा लगता था कि पूरा जो इंचकेप रॉक है वो दिखना बंद हो जाता था, और उससे क्या होता था, जब हवा चल रही होती थी तो जो मैरिनर्स होते थे, यानी कि जो नाविक होते थे, जो अपने जहाज को लेकर जा रहे होते थे, उस वार्निंग बेल की आवाज सुनकर वो अलर्ट हो जाते थे, तो उनको पता चल जाता कि आगे सामने किसी तरीके का कोई खतरा है, कोई डेंजर है,
पेरिलियस रॉक, ये वर्ड यूज किया गया इंचकेप रॉक के लिए, जिसका पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस यानी कि खतरनाक। तो और जब वो ऐसा करते थे तो उस टाइम वो जो अबॉट ऑफ एबर्थ रॉक थे उनको ब्लेसिंग देते थे, उनको बड़ा ही आशीर्वाद देते थे कि उन्होंने भाई बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक तरीके की यहां पर बेल लगा दी है विच वर्क्स एज ए वार्निंग सिग्नल। तो वार्निंग सिग्नल क्या काम करता था कि कभी कभी जब मौसम खराब होने की वजह से कोई बहुत ज्यादा कोहरा हुआ है या ऐसा मौसम हो गया है कि भाई वो इंचकेप रॉक दिख नहीं रही है, तो जब वो बेल की आवाज सुनते थे तो वो अलर्ट हो जाते थे और वहां से वो बचकर बड़े आराम से निकल जाते थे। ये जो फर्स्ट ऊपर की फर्स्ट लाइन है इसमें मैंने ये इसको रेड में हाईलाइट किया हुआ है, सर्जस स्वेल, ये एस साउंड का रिपीटेशन है, तो यहां पर भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ब्लेस्ड का मतलब, ये ब्लेस्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद देना। नेक्स्ट क्या है, द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज द व्हील्ड अराउंड एंड There was joints in their sound। देखिए उस दिन का मौसम था, सन इन हेवन वॉज शाइनिंग, सूरज भी उस दिन अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ आसमान में चमक रहा था। यहां पर एक पोइटिक डिवाइस है, द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, गे का मतलब होता है हैप्पी होना, खुश होना। देखिए सूरज तो खुश नहीं हो सकता है, यहां पर एक पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब किसी भी हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग चीजों को लिविंग बींग मान लेते हैं और उनके ऐसा मान लेते हैं कि उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज है, तो उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो उस दिन की बात है कि भाई सूरज आसमान में चमक रहा था, सारी चीजें बहुत बहुत खुशनुमा उस दिन माहौल था, जो समुद्र की चिड़ियां हैं, जो सी बर्ड्स हैं, वो भी इधर उधर घूम रही थी, वो भी बहुत प्रसन्न थी, और उनकी आवाज में जब वो चिड़ियां बोल रही थी तो उनकी आवाज में भी ऐसा लगता था कि वो काफी उस दिन बहुत ज्यादा खुश हैं, मौसम उस दिन बहुत अच्छा था। द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक। अब इसमें कैरेक्टर की एंट्री होती है। बॉय का मतलब जैसे मैंने बताया एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है जो वार्निंग साइन का काम करता है। तो होता क्या था, वो जो इंचकेप बेल उन्होंने लगाई थी, जो बेल उन्होंने लगाई थी उस बॉय के ऊपर, वो दूर से देखने पर वो एक स्पेक का मतलब था धब्बा, तो वो एक डार्क स्पेक की तरह दिखाई पड़ती थी। और समुद्र का कलर यहां पर कैसा बताया है, ग्रीन ओशन, यानी कि वो जो इंचकेप बेल है वो हरे समुद्र में दूर से देखने पर एक छोटा काला धब्बा सा दिखाई पड़ती थी। अब कहानी का जो मेन कैरेक्टर यानी कि कहानी का जो विलेन है उसकी एंट्री होती है, एक सर राल्फ थे, वो बेसिकली एक क्या है, पायरेट है, समुद्री लुटेरा है। तो वो दूर से इस चीज को देखता है और जिस जहाज में था उसके वो डेक होता है जहाज का फ्लोर, उस जहाज के फ्लोर पर अपना वो टहलकर देख रहा है, चल रहा है, और उसने जब दूर से इस इंच के बैल को देखा तो उसको बड़ा ही मन में उसने एक प्लानिंग करनी शुरू की। और वो प्लानिंग क्या की उसने, ही फेयर द चेयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस। अब उस दिन जैसा कि मैंने बोला कि मौसम बहुत अच्छा था, स्प्रिंग का मौसम था और स्प्रिंग का जो खुशनुमा माहौल था वो उस दिन महसूस भी कर रहा था, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, वो खुद भी बड़ा ही खुश था, सीटियां बजा रहा था और वो गाने भी गा रहा था। हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, और उसका जो हृदय था, उसका जो दिल था, वो बहुत ज्यादा खुश था, उसके मन में बहुत ज्यादा खुशी थी। मर्थफुल का मतलब होता है इंजॉयमेंट, बहुत ज्यादा खुश था। बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, लेकिन जो उसके चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही थी या ऐसा लोगों को लग रहा था कि ये भाई ये तो बहुत ज्यादा खुश है, इसके मन में इतना ज्यादा खुशी क्यों है, इसके पीछे उसका एक शैतानी दिमाग में उसके एक प्लान चल रहा था। विकेडनेस का मतलब होता है दुष्टता, यानी कि वो था तो वो दुष्ट स्वभाव का, देखने में तो बड़ा ऐसा मालूम पड़ रहा था कि भाई बहुत खुश है ये देख करके, भाई देखो अबॉट ऑफ एबर्थ रॉक ने कितना अच्छा काम किया है, इसको देखकर वो दूसरों को दिखा रहा था कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन मन ही मन में उसके अंदर पीछे दिमाग के पीछे कोई ना कोई प्लान चल रहा था। और वो प्लान क्या था, हिज आई वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट, कोथ ही माई मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक, आई विल प्ले द अबॉट ऑफ एबर्थ रॉक। तो वो दूर से अपने जहाज के बीच जो फ्लोर था वहां पर खड़ा हुआ था और वो खड़ा होकर वो किस क्या देख रहा था, इंच के फ्लोट को जिसके ऊपर वो बेल लगी हुई थी जो कि वार्निंग सिग्नल का काम कर रही थी,
कोथ का मतलब होता है बोलना, ये आर्कियक इंग्लिश यानी कि एंशियंट इंग्लिश में इस तरह के वर्ड यूज होते थे, अब नहीं होते हैं। तो उसने क्या कहा, माय मैन, अपने लोगों को ऑर्डर दिया, पुट आउट द बोट, मेरे जहाज से एक छोटी सी बोट निकालो और मुझे कहां ले चलो, मुझे इंचकेप रॉक की तरफ ले चलो, क्योंकि आई विल प्ले द एबॉट ऑफ एबर्थ रॉक, क्योंकि मैं एबॉट ऑफ एबर्थ रॉक को मजा चखाना चाहता हूं। प्ले का मतलब होता है किसी को परेशान करना या मजा चखाना। तो कहता है कि भाई मेरी बोट को निकालो, मुझे वहां इंचकेप रॉक तक ले चलो और मैं इस एबॉट ऑफ एबर्थ रॉक को मजा चखाना चाहता हूं। द बोट इज लोअर्ड, द बोट मैन रो एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। सर राल्फ वेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट। अब बोट को जहाज से नीचे उतारा गया और बोटमैन उसको सर राल्फ को लेकर कहां जाते हैं, इंचकेप रॉक की तरफ चले जाते हैं। ये जो सेकंड लाइन है इसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है, इसमें भी एक पोएटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन कुछ नहीं होता है, इन्वर्जन में जो वर्ड्स का जो प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को हम थोड़ा आगे पीछे यानी कि चेंज कर देते हैं। तो सर राल्फ को उस बोट में बैठकर जाते हैं इंचकेप रॉक की तरफ, जहां वो इंचकेप बेल जो थी जो फ्लोट कर रही थी, तो वो अपनी नाव से थोड़ा सा झुकते हैं और उस इंच के फ्लोट की में जो बेल लगी होती है उस बेल को काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाउन संग द बेल विद अ गर्लिंग साउंड, बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड, कोथ सर राल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द अबॉट ऑफ एबर्थ रॉक। अब जैसे ही उन्होंने इंच के बेल को काटा, वो इंच के बेल पानी में बहुत तेज साउंड के साथ, गर्गलिंग साउंड ऐसा होता है जैसे नाली में पानी डाली एक बाल्टी और किस तरह से वो कम जगह में वो एक बाल्टी पानी या उससे ज्यादा मात्रा में पानी जैसे जिस साउंड के साथ बहता है वो गर्गलिंग साउंड होता है। अब जैसे उन्होंने बैल को काटा, वो बैल पानी में डूबने लग गई और डूबने से क्या, वो बबल्स बनने लग गए, वो बबल्स बनते जा रहे थे, बबल्स बर्स्ट होते जा रहे थे, फूटते जा रहे थे। कोथ सर राल्फ, कोथ का मतलब भाई सर राल्फ ने बोला, क्या बोला, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द अबॉट ऑफ एबर्थ रॉक। अब मेरे इसके बाद जो भी व्यक्ति अपनी नाव या शिप को लेकर इस रॉक की तरफ आएगा वो अबॉट ऑफ एबर्थ रॉक को ब्लेस नहीं करेगा, उनको आशीर्वाद नहीं देगा, उनके बारे में अच्छी बातें नहीं करेगा, उनको कर्स करेगा। सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, हिज कोर्ड द सीज फॉर मैनी अ डे एंड नाउ ग्रोन रिच विद द प्लंडर स्टोर, हिज स्टीयर हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। अब उसके बाद सर राल्फ अपनी बोट को लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये देखने के लिए कि भाई जो मैंने किया, जो मैंने इंच के बेल को काट दिया, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, ये देखने के लिए वो आसपास उस एरिया के आसपास कई दिन तक घूमते रहे, कई दिन तक चक्कर लगाते रहे और साथ साथ क्या किया, क्योंकि ही वाज अ सी पायरेट, वो समुद्री लुटेरा था, तो उसने उतने समय में वो काफी सारा उसने पैसा इकट्ठा कर लिया, लोगों को लूट लूट कर, उनका सामान लूट लूट कर काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और बहुत अमीर हो गया। और उसके बाद ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, उसके बाद वो स्कॉटलैंड का जो समुद्री किनारा है उसकी तरफ चलना उसका जहाज शुरू हो गया। अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड द स्काई, दे कैन नॉट सी सन ऑन हाई, द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे। देखिए इसमें दो तीन एंशियंट वर्ड आए हैं, जैसे हैथ का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनका जहाज स्कॉटलैंड के समुद्री किनारे की तरफ चढ़ने लग गया, अ थिक हेज, हेज होता है धुंध को बोलते हैं, जैसे कोहरा होता है धुंध होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे वातावरण में फैल जाती हैं और थोड़ा सा दिखने की विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपने कई बार महसूस किया होगा। तो जब उनका जहाज चलने लग गया समुद्र के किनारे की तरफ, तो मौसम एकदम से कैसा हो गया, मौसम एकदम से धुंधला सा हो गया और धुंधला होने की वजह से उनको रास्ता सही से दिखाई नहीं पड़ रहा था। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत थी लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रहे थे कि रास्ता सही, रास्ता हम कौन सा रास्ता पकड़े, उस रास्ते से सही सलामत हम इंच के रॉक से बिना टकराए आराम से निकल सकें। द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल द डे, पूरे दिन तो हवा बहुत अच्छी तरह चलती, विंड गेल का मतलब होता है समुद्री हवा जो चलती है, तेज तूफानी हवाएं चलती है, उनको गेल बोलते हैं। तो पूरे दिन क्या हुआ था, पूरे दिन तो समुद्री हवा बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, लेकिन शाम होते होते उस हवा की स्पीड कम हो गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, कोथ सर राल्फ, इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन इन द राइजिंग मून। अब जो
सर राल्फ है वो अपने जहाज के डेक पर खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि सामने का मौसम बहुत डार्क हो गया है और उसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, उनको ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि समुद्र का किनारा वहां अभी से कितनी दूर है। बट ही वॉज ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाय, बड़ा ही एनर्जेटिक और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। वो कह रहा है इट विल बी लाइटर सून फॉर देर इज डॉन इन द राइजिंग मून। मुझे ऐसा लगता है कि मौसम अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा क्योंकि अब जो है कि जो चंद्रमा निकलने का समय आ गया है, थोड़ा सा रात हो गई थी, उस चंद्रमा की जो रोशनी है उससे मुझे लगता है कि काफी हद तक हेल्प मिलेगी और हम किनारे तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। कैंस ट्री सेड वन द ब्रेकर्स रोर फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल बट आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल। अब ये कहता है कि भाई हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ जहाज में कोई व्यक्ति बैठा हो उसने बोला भाई हमें कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम किनारे पर पहुंच गए, तो सिर्फ एक अनुमान लगा रहे थे। अब कह रहा है कि देखो हम इस समय पर कहां पर हैं, हमें नहीं पता कि हम कहां पर हैं, तो मौसम इतना खराब हो गया था। और दूसरा कहता है जो उन्होंने इंच के बेल उस इंच के प्रॉप पर लगाई थी उसने तो ऑलरेडी काट के उसको, वो तो ऑलरेडी समुद्र के पानी में समा चुकी थी। अब क्या हुआ कि भाई देख कह रहा है कि भाई हमें कोई वार्निंग सिग्नल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें यह भी नहीं पता है कि जो समुद्र का किनारा है वो अभी कितनी दूर है और एग्जैक्टली हम इस टाइम पर कहां पर हैं, हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। दे हियर नो साउंड द स्वेल सो इज स्ट्रांग दो द विंड हैथ फॉलन द ड्रिफ्ट अलोंग टिल द वेसल स्ट्राइक विद अ शिवरिंग शॉक ओ क्राइस्ट इट इज द इंच केप रॉक। अब उन्हें किसी तरीके का कोई साउंड सुनाई नहीं पड़ता है, पूरे जहाज में उस इस तरीके से कंडीशन में वो पहुंच चुका था कि उनको आगे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था और जो हवा अब तक ठीक ठाक चल रही थी वो हवा भी चलनी बहुत थोड़ी सी बंद हो गई थी और इसी के साथ क्या होता है उनका जो वेसल है, वेसल का मतलब शिप जो है, वो जाके किसी चीज से टकराता और बहुत तेज आवाज आती है। जब वो आवाज आती है तो उनमें से कोई वो बोलता है कि ओ क्राइस्ट हे मेरे भगवान इट इज द इंच केप रॉक, अरे ये तो वही इंच केप रॉक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, उनका जहाज जाके उसी इंच केप रॉक से टकरा गया। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर ही कर्स हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर द वेव्स रश इन ऑन एवरी साइड द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। अब सर राल्फ को अपने किए पर इतना बड़ा अफसोस हुआ, ही हैड अ रिग्रेट कि उसने आखिर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था उस गड्ढे में वो खुद ही गिरने जा रहा था, तो बड़ा ही गुस्से से वो उसके ऊपर रिग्रेट भी था, वो अपने बाल को नोचने शुरू कर देता है और वो अपने आप को ही बड़ा भला बुरा कहता है कि गुस्सा भी था और उसको इस बात का दुख भी था कि उसने जो काम दूसरों के लिए किया था कि दूसरे लोग आकर इस गड्ढे में आकर गिरेंगे, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गया। तो वो अपने आप को कर्स करता है। द वेव्स रश इन ऑन एवरी साइड द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। अब हुआ क्या है कि उसका जहाज जो था समुद्री तूफान से घिर गया और घिर के बाद चट्टान से वो टकरा गया, ठीक वैसा ही आप इमेजिन करिए जैसे टाइटन की फिल्म में दिखाया गया था, और उसका जहाज टकराने के बाद क्रश हो जाता है और क्रश होने के बाद वो पानी में उस तूफान समुद्री तूफान के पानी में नीचे डूबना शुरू हो जाता है। ये जो इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो मैंने रेड में हाईलाइट की है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस को बोलते हैं एलिटरेशन, क्योंकि इसमें एस साउंड का रिपीटेशन है, द शिप इज सिंकिंग एस साउंड का रिपीटेशन है, देयरफॉर देयर इज एन एलिटरेशन इन दिस लाइन। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर एज साउंड एज इफ द इंच के बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। अब जैसे जब वो जहाज लगभग डूब रहा था और जिस जैसे कहते हैं कि मौत का एक तरीके से भय होता है, जब मौत सामने देखकर जिस तरीके का इंसान को डर लगता है, तो उस डर में भी उसको एक आवाज सुनाई पड़ी, ऐसा सुनाई पड़े कि भाई जो इंच के बेल जो पानी में ऑलरेडी डूब चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो इंच के बेल जैसा ही साउंड उसको सुनाई पड़ा। वो साउंड बेसिकली आ कहां से रहा था, उस जहाज नेल होता है नीचे का जो फ्रेम होता है, ठीक है, उस फ्रेम में ऐसा लग रहा था कोई डेविल है, कोई मतलब कोई शैतानी ताकत है जो उस जाके उस जहाज के नीचे का जो मेटल का फ्रेम है उसको बजा रही थी, उसको आवाज बजाने से जो साउंड आ रहा था वो साउंड ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो इंच के बेल का ही साउंड है। और यहां पर ये पोएम खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, साथ साथ आपका कोई सजेशन या फीडबैक इस कंटेंट के बारे में, या इस चैनल पर जो बाकी वीडियोस अपलोड हैं उनके बारे में कोई सजेशन है,
या आप इनको किसी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आपको जरूर मिले। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।